गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग क्लास 3 का साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 7 वर्ड जिसके बारे में पढ़ रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया है वर्ड्स का, जिसमें मैंने अलग अलग पार्ट्स को दिखाया है। 12 विंग्स, हेड, बेक्स, बॉडी एंड लास्ट में फीट। दीज आर पार्ट्स ऑफ बॉडी ऑफ अ वर्ड। अब आते हम लोग फर्स्ट यानी कि बीक्स पे। तो डिफरेंट बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स डिपेंडिंग अपॉन द फूड दे ईट, यानी कि उनके जो बीक्स होते हैं वो डिपेंड करते हैं कि वो किस तरह का भोजन करते हैं। इस हम लोगों ने बहुत से अलग अलग तरीके के बीक्स देखे हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हुक बीक्स, जो कि हमारा ईगल, वल्चर एंड हॉक का होता है। स्ट्रॉन्ग शार्प एंड हार्ड बीक्स पीकॉक, स्पैरो, पिजन। स्ट्रॉन्ग एंड चिसेल शेप बीक्स, वुडपीकर एंड होप्स। ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, डक एंड स्वान। लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स, जो कि उसका नेस्ट है। कर्व बीक यानी पैरोट, हेल्प इट टू क्रैक और ओपन नट्स एंड इट हार्ड फ्रूट्स। एंड फ्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स, जो कि स्वैलो यानी स्मॉल फ्लैजेंट्रेट कीड़ा मकोड़ों को पकड़ के खाते हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, वहाँ फीट एंड क्लॉन्स। बर्ड यूज देयर क्लॉन्स टू वॉक, होप, स्विंग एंड क्लाइंब एज वेल एज टू कैच एंड होल्ड, यानी कि जो वो अपने फीट यानी पैर और पंजों का इस्तेमाल है वो करते हैं तैरने में, चलने में, चढ़ने में, इसके अलावा पकड़ने और साथ में खाना खाने में भी। सो इसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं परचेजिंग वर्ड। परचेजिंग वर्ड, परचेजिंग मीन्स होता है देयर टोज, यानी उनके पैर के अंगूठे, ग्रिप द ब्रांच टाइटली लाइक अ लॉक, यानी अपने पैर के पंजों के द्वारा वो जो पैर का शाखा था उसे टाइटली पकड़ते हैं, लाइक अ लॉक, यानी जिसने लॉक कर लिया हो। एग्जाम्पल में ऐसे पंछी आते हैं हमारे क्रोज, स्पैरो, मैना एंड पैरोट। नेक्स्ट हम आता है फ्लैश ईटिंग बर्ड, यानी इसमें एग्जाम्पल हमारा आता है ईगल एंड वल्चर। स्ट्रॉन्ग एंड द शार्प क्लॉन्स, यानी इनके मजबूत और तेज पंजे जो होते हैं जिन्हें लोग टैलोन कहते हैं, वो मदद करते हैं कैच स्मॉल एनिमल, यानी छोटे छोटे एनिमल्स को पकड़ने में मदद करते हैं। स्केचिंग बर्ड्स, एग्जाम्पल में हमारा आता है हेन्स, पीकॉक एंड हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स, यानी कि जो हम स्केचिंग बर्ड होते हैं हैन और पीकॉक, जिनके मजबूत पैर जो होते हैं वो उनके थ्री टोज यानी कि तीन अंगूठे होते हैं इन फ्रंट एंड वन टोज एट द बैक, और पीछे की ओर एक अंगूठा होता है। क्लाइंबिंग इज बर्ड्स, वुड पिकर हैव टू, क्लाइंबिंग वाले वुड पिकर को गिनते हैं जिसके दो टोज होते हैं, यानी दो टोज आगे की ओर, दो टोज पीछे की ओर, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट हमारा वेडिंग बर्ड्स, यानी कि क्रैन एंड हेरोइन, जिसके लॉन्ग लेग्स हैं, लंबे पैर जो होते हैं, विश स्प्रेड शार्प स्प्रेड आउट टोज, यानी उसके पैर जो अंगूठे होते हैं वो फैलेदार होते हैं। स्विमिंग बर्ड्स, यानी वैसे पंजे जो तैरने मत करते हैं, वैसे पंजे तो उसका हमारे किसके होते हैं, डक एंड गेज। वेविंग फीट, यानी कि जायदार पैर होते हैं फैलादार, जो कि मदद करने किसमें, स्विमिंग में, स्विमिंग इन द वाटर। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज अ हाउ वर्ड फ्लाई, यानी कि पंछी कैसे उड़ते हैं। तो वर्ड फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स, हम सभी को जानते हैं कि पंछी को उड़ने के लिए उनके पंख की जरूरत होती है, वे अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं। अ वर्ड मूव इट्स द विंग्स इन द बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, यानी कि अपने पंखों की मदद से वे आगे की ओर, ऊपर की ओर, नीचे की ओर दिशा में चलते हैं। दीज स्ट्रोक आर कॉल्ड, यानी वैसे उड़ान को हम लोग क्या, वैसे उड़ान यानी कि स्ट्रोक को हम लोग अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक कहते हैं। अब हम लोग आते हैं उड़ने के लिए जो मददगार होती है वो होता है फेदर। तो हम लोग यहाँ, हम लोग पंछियों में बहुत अलग तरह के फेदर, मेनली थ्री टाइप के फेदर होते हैं। पहला है काउंटर फेदर, दूसरा है डाउन फेदर एंड थर्ड है फ्लाइट फेदर। फर्स्ट जो काउंटर फेदर होता है वो हमारे स्मॉल एंड स्टिफ फेदर, यानी छोटे और बहुत ही छोटे छोटे होते हैं ना बारीक फेदर, उसे कहते हैं। और डाउन फेदर यानी कि वो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, और स्मॉल फ्लफी फेदर यानी सॉफ्ट के साथ साथ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे भी होते हैं। फ्लाइट फेदर लॉन्ग यानी लंबे जो होते हैं, जो कि हमें उड़ने में मदद करते हैं। फ्लैट फेदर और विंग्स यानी पंछियों को उड़ने में मदद करते हैं ऐसे लंबे और फ्लैट फेदर। नेस्ट टाइप ऑफ, नेस्ट टाइप ऑफ नेस्ट का निकलने के अलग अलग तरीके के जो घोंसले बनते हैं अलग पंछियों के द्वारा। तो सबसे पहला उसमें आता है हमारा टेलर वर्ड। आप लोग सब जानते हैं टेलर वर्ड, टेलर का मतलब ही होता है सिलना। तो टेलर जो हम लोग सिलाई करते हैं, तो यूज इट्स फाइन पीक्स यानी वे अपने चोच का इस्तेमाल करते हैं, लाइक अ नीडल यानी नीडल के रूप में, जिसके द्वारा वे बिनकर अपना घोंसला बन करते हैं। नेक्स्ट ईगल, मेक इट नेक्स्ट ऑन अ टॉल ट्री, यानी वे अपना घोंसला एक लंबे से ऊंचे पेड़ पर बनाते हैं ताकि वहां से उन्हें कोई हार्म ना हो सके। वेविंग बर्ड्स, यूज इट बीक्स यानी अपने चोंच का इस्तेमाल करते हैं टू वेव पीस ऑफ लीव्स, ग्रास और ट्विंग्स टुगेदर, इन सभी को मिलाकर साथ जोड़कर उसे सिलकर वेव करके बीन के बनाते हैं अपना घोंसला। वुड पीकर यानी वुड पीकर आप लोग सब जानते हैं कि जो पेड़ों को खोखला करके बनाते हैं, तो यूज इट स्ट्रॉन्ग एंड चिसल लाइक पीक, यानी अपना पीक को इस्तेमाल करते हैं टू पैक इन टू द ट्रंक ट्री यानी पेड़ के तने में, और मेक इट द कैवी और खोखले उस जगह को अपने उसमें अपना घोंसला बनाते हैं।
पेंगुइन टू फाइंड ट्विन ग्लास एंड अ स्ट्रॉ इन सच प्लेसेस, यानी कि वे खुद तलाश करके छोटे छोटे ग्लास जिनको और मैरी कैथी को उन जगह पे तलाश करके पेंगुइन कलेक्ट इन सभी को जमा करते हैं, सब पेबल यानी कि कुछ कीचड़ को इकट्ठा करके अपना वो क्या बनाते हैं घोंसला। अब आते हैं केयरिंग फॉर यंग वंस, यानी कि अपने छोटे छोटे जो बच्चों का जो देख रेख करते हैं पंछी, तो वे ना चीज आर बॉर्न, जब छोटे से मुर्गे चूजे पैदा लेते हैं तो टिल देन देयर पेरेंट्स, यानी तब तक उनके पिता उनके पेरेंट्स उनकी देख रेख करते हैं, उन्हें भोजन देते हैं एंड देन टेक केयर ऑफ देम, और इसके साथ उनकी देख रेख करते हैं। वर्ड्स ऑल्सो ट्रेवल वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इसके साथ साथ जो हमारे पंछी होते हैं बहुत लंबी दूरी तय करते हैं टू द सर्च ऑफ फूड प्लेस एनीथिंग। तो ये चीज़ हमारा होता है, एक सीजनल आता है, दिस इज ड्यू टू द चेंज इन वेदर, यानी कि जब हमारे मौसम चेंज होता है, सो द माइग्रेट इज ऑल्सो सीजनल इन नेचर, तो वो मौसम के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, ये हमारा प्रकृति नेचर है, ठीक है, यानी ये पंछियों का प्रकृति होता है। दिस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऑफ वर्ड, यानी कि इस लंबी दूरी को तय करना, इसे हम लोग कहते हैं, यानी पंछियों द्वारा इस लंबी दूरी को तय करना हम लोग कहते हैं माइग्रेशन। माइग्रेशन, अ बार हेडेड गीज फ्लाई अबव द हिमालयाज माउंटेन ड्यूरिंग द माइग्रेशन, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े पंछी होते हैं वो इसी सीजनल के द्वारा एक जगह से जाते हैं इस भोजन के तलाश में। सो दीज आर समरी ऑफ चैप्टर 7 वर्ड्स क्लास 3 साइंस का। इसको आपको देखना और समझना, और कोई भी दिक्कत हो तो हमसे इस बारे में क्वेश्चन करना है। ओके, थैंक यू।